सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं सर्च इंडिया न्यूज। चुनावी भागदौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना आपको गले लगा ले या कहीं आपके घर तक पहुंच जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी फिक्र किसको है, इसकी चिंता किसको है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा एक नजारा देखने को मिल रहा है लखनऊ के समाजवादी दफ्तर में, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के परखच्चे उड़ा रखे हैं। जो कोरोना गाइडलाइंस हैं वो कहीं दूर नजर आती हैं, या ये कहिए मानो उनकी अवहेलना की जा रही हो। और ये सब इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि समाजवादी दफ्तर के आगे इतनी भीड़ जुटी हुई है, समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। और बड़ी खबर यह है कि लखनऊ के जो डीएम हैं उनका कहना है कि चुनाव आयोग और पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद हैं और इसकी रिपोर्ट जल्द ही उनके सामने होगी और उसके अनुरूप इसकी कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि चुनाव आयोग के अनुसार भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, ये चुनाव आयोग के द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं। समाजवादी दफ्तर में जुटी भीड़ पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहले से हमारी टीम मौजूद है, ये कहना है डीएम लखनऊ का। पुलिस और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद हैं। उनकी रिपोर्ट के बाद ही जरूरी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है लखनऊ डीएम का। जी हाँ, जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं, लोग हजारों की संख्या में मौजूद हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उनके अवहेलना को साफ साफ दिखाता है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे जो भीड़ जमा हुई है उसका संज्ञान लिया है चुनाव आयोग ने, और समाजवादी दफ्तर पर पहले से ही चुनाव आयोग की टीम और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है लखनऊ डीएम का। और ये बड़ी बात है, जहां चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, जहां लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वहां इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इतनी संख्या में लोग कैसे इकट्ठे हो गए, जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कोरोना अपनी पूरी शक्ति से प्रहार कर रहा है और दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए चुनाव आयोग इस पर बड़ा एक्शन ले सकता है। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।